तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी सक्सेसफुल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज बात करेंगे हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट की, और उस वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के जिसमें हम टर्नओवर मेथड की चर्चा करेंगे, नायक कमेटी नॉर्म्स जिसको कहा जाता है, और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से नायक कमेटी के रिकमेंडेशन को माना गया और ये टर्नओवर मेथड जो है वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट के लिए लागू किया गया बैंकों में, कि किसी व्यापार को करने के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसका असेसमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए नायक कमेटी रिकमेंडेशन को मानी गई और उसको नायक कमेटी नॉर्म्स भी कहते हैं और टर्नओवर मेथड कहते हैं। वैसे तो आप समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है। अगर वर्किंग कैपिटल को समझे हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है, तो ये कार्यशील पूंजी होती है। इसको इस तरीके से समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है, वो पूंजी है जो किसी व्यापार को, प्रतिदिन चलने वाले व्यापार को चलाने के लिए जरूरत होती है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो पूंजी है, किसी व्यापार को रन करने के लिए जो पूंजी चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है। वैसे उसे करंट एसेट और जो अकाउंट रिसीवेबल और इसमें करंट लायबिलिटी को अगर घटा दिया तो वर्किंग कैपिटल होता है। किसी व्यापार के कार्यशील पूंजी को निकालने के लिए, वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट के लिए वैसे तो 5 मेथड होते हैं। पहला होता है एक ऑपरेटिंग साइकिल मेथड होता है, जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल के आधार पर उसका जो सेल है और उसका जो खर्चा है उसके आधार पर निकाला जाता है, और दूसरा है ड्रॉइंग पावर मेथड, और तीसरा है टर्नओवर मेथड जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, और चौथा है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड, और पांचवा है कैश बजट मेथड। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें वर्किंग कैपिटल, नायक कमेटी नॉर्म्स के हिसाब से टर्नओवर मेथड पे चर्चा करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल डे टू डे में जो ट्रेड करने के लिए कार्यशील पूंजी चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब यहां पर नायक कमेटी की रिकमेंडेशन में, जिसको आरबीआई ने अडॉप्ट किया, बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं, इसमें यह एज्यूम किया जाता है कि एक साल में, 1 ईयर में, इस रिकमेंडेशन के आधार पर उन्होंने बोला है कि एक साल में 4 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे। क्या होंगे? 4 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे किसी बिजनेस को रन करने के लिए, 4 ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल को अगर हम समझेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल को तो इस तरीके से समझेंगे, देखिए कि अगर यहां पर एक कैश है तो कोई बिजनेस जो है, यहां पर पैसा, पूंजी लगाई जाती है कैश से। कैश से क्या होता है? फिर रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, फिर वहां से वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उस रॉ मटेरियल से सामान बनाया जाता है, गुड्स बनाए जाते हैं। अब वो गुड्स बनाए जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। फिर यहाँ पर वो सेल्स में आते हैं। फिर सेल्स में क्या होता है? तुरंत बिक्री नहीं होता है, कुछ डेटर होते हैं, जिसको बाद में वो पैसा देते हैं, डेटर, उनको कुछ टाइम होता है। और ये डेटर के बाद अकाउंट रिसीवेबल होता है, जो अकाउंट, जो पैसा आता है सेल के बाद, फिर वो कैश के रूप में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो है, ये सर्कल चलता रहता है, इसी को बोलते हैं एक ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। जी हाँ, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ी, उससे रॉ मटेरियल खरीदे और वर्क इन प्रोग्रेस रहा, और वो गुड्स बन गया, गुड्स के बाद सेल्स में गया, सेल्स में जो बेचने वालों के पास, वो भी डेटर हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद पैसा देते हैं। तो ये पूरा साइकिल पूरा होने के लिए जितना समय लगता है उसी को एक ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, और ये नायक कमेटी नॉर्म्स में ये माना गया है कि एक साल में 4 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे। कहने का तात्पर्य है, एक साल में 4 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे, मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो होगा 3 मंथ्स का। कितना होगा? 3 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल होगा, 3 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल होगा। मतलब कहने का तात्पर्य, कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर ये सेल्स में आते तक 1 महीना, और डेटर के पास भी 1 महीना रहता है। ये पूरा साइकिल पूरा होने के लिए 3 मंथ चाहिए। तो साल भर में 12 महीना होते हैं, तो 12 महीने को डिवाइड करेंगे तो 4 ऑपरेटिंग साइकिल होंगे, मतलब 4 बार वो पैसा रोटेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं 4 ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल 4 हो गए, तो अब ये 4 बार टर्नओवर हो गया, समझ लीजिए उनका बिजनेस जो है 4 बार रोल ओवर हो गया उसी पैसे को। तो यही पैसा जो डे टू डे शुरू करने के लिए जो चाहिए, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल जो पूरा होता है साल भर में, ये 4 बार पूरा हो जाता है, ये एज पर एजम्पशन ऑफ नायक कमेटी नॉर्म्स। तो 4 ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं एक साल में इस ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। इसके लिए नायक कमेटी नॉर्म्स के हिसाब से जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 4 होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो 4 होते हैं तो ये एजम्पशन लगाते हैं
कि जब चार होते हैं तो इनको जो है, इनको जो रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल, तो ये नायक कमेटी बोलते हैं कि 25% ऑफ एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर ये रिक्वायरमेंट होगा वर्किंग कैपिटल। मतलब ये जो पूंजी है उस डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, ये 25% ऑफ एनुअल टर्नओवर होगा, उनके साल भर का जितना टर्नओवर होगा, और ये प्रोजेक्टेड टर्नओवर होगा, प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 25% जो है उनको वर्किंग कैपिटल होगा। अब ये वर्किंग कैपिटल तो इतना चाहिए, लेकिन नायक जो कमेटी है उनके रिकमेंडेशन के आधार पर बोलते हैं कि ये जो जरूरत है 25% का, इसका जो है 80% जो है बैंक देगा, बैंक फाइनेंस करेगा, 80% जो है बैंक फाइनेंस करेंगे, और इसका जो 20% है वो मार्जिन, बॉरोवर मार्जिन, इसका 80%, ये 20% तो एनुअल टर्नओवर का, इसको वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन उसका 80% बैंक फाइनेंस करेंगे और 20% जो है मार्जिन होगा। तो इसका 80% मतलब अगर इसी को करें तो 20% आप एनुअल टर्नओवर निकाल लें इसको, एनुअल टर्नओवर, और यहां पर है ये 5% ऑफ एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, ये मार्जिन हो गया एनुअल टर्नओवर, ये रिक्वायरमेंट हुआ। मतलब अगर किसी फर्म का, किसी फर्म का, कंपनी का अगर एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ है तो उसको 25% मतलब 25 लाख उसका वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, कार्यशील पूंजी की जरूरत है, क्योंकि चार ऑपरेटिंग साइकिल पूरा करने के लिए। लेकिन यहां बोलते हैं जितनी जरूरत है पूरा पूरा बैंक नहीं देगी, उसमें कुछ हिस्सा जो है, जो जरूरत वाला हिस्सा है 20% जो हिस्सा है वो बारोवर देगा, और 80% हिस्सा जो है वो बैंक फाइनेंस करेगी। तो जो 25 लाख कार्यशील पूंजी है तो उसमें से 20 लाख का जो लिमिट है वर्किंग कैपिटल के तौर पे बैंक दे देगी, और जो मार्जिन है 5 लाख जो मार्जिन है वो बॉरोवर खुद मेंटेन करेगा स्टॉक के रूप में। तो ये पूरी कहानी है वर्किंग कैपिटल की, सिंपल सा है। नायक कमेटी जो नॉर्म्स हैं टर्नओवर मेथड, ये लागू होता है ऐसे इंडस्ट्री पे जहां पर अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं तो 5 करोड़ के प्रपोजल अगर है तो ये मेथड लागू होगा, और अदर्स के लिए अगर 1 करोड़ का है तो ये मेथड लागू होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 5 करोड़ तक के प्रपोजल पे ये लागू होगा, और अदर्स के लिए 1 करोड़ तक के प्रपोजल में ये मेथड लागू होगा, जिसको बोलते हैं नायक कमेटी टर्नओवर मेथड। और अगर इससे अधिक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 5 करोड़ से ज़्यादा है और अदर्स में 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस होगा, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वर्किंग कैपिटल की जो मुख्य चीज़ें ये हैं कि यहाँ प्रोजेक्टेड टर्नओवर लिया जाएगा, प्रोजेक्टेड टर्न, इस साल में जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर होंगे उस प्रोजेक्टेड टर्नओवर का उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए 25%, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल हमने समझ लिए। अब ये 25% जो उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए उसका मार्जिन 20% वो बरोबर मार्जिन हो जाएगा, और 20% जो है एनुअल टर्नओवर का उसको वर्किंग कैपिटल निर्धारण कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ बात समझ में आ गई। नायक कमेटी नॉर्म्स के हिसाब से जो टर्नओवर मेथड है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जब 5 करोड़ का प्रपोजल करते हैं, या अदर के लिए 1 करोड़ का प्रपोजल हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करते हैं, तो सिंपल सी बात है उनका जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर अगर दिया है तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 25% वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, और उसका प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20% जो है वो बैंक फाइनेंस हो जाएगा, और वो प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 5% उसका मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर देखा जाता है वो पिछले 2 साल का जो देखा जाता है, लास्ट टू ईयर के सेल से या टर्नओवर से बहुत ही ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। लास्ट टू ईयर के सेल से ये 25% के ग्रोथ में हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 50% का ग्रोथ हो जाए, तो 25% का ग्रोथ हो, और लास्ट टू ईयर भी ग्रोथ दिखा रहा हो, एक्चुअल में एक्चुअल भी ग्रोथ दिखा रहा हो, और ये जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर है वो 25% तक के ग्रोथ में जा रहा हो, तब एक्सेप्टेबल है। और उस प्रोजेक्टेड टर्नओवर के लिए आप प्रोसेस करते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल निकल जाता है, ये नायक कमेटी मेथड के हिसाब से। और इसमें अगर एक उदाहरण के लिए ले लें, अगर किसी फर्म का अगर प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो है, प्रोजेक्टेड टर्नओवर है वो 100 लाख है, 100 लाख से प्रोजेक्टेड टर्नओवर ईयरली जो है प्रोजेक्टेड है ना।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, वर्किंग कैपिटल जिसको डब्ल्यू सी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल इसको होगी 25 लाख, 25 लाख की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अब इस वर्किंग कैपिटल के 25 लाख में बैंक फाइनेंस जो होगा, बैंक फाइनेंस होगा 20 लाख, और मार्जिन जो होगा बारोअर का उस वर्किंग कैपिटल में 5 लाख होगा, 5 लाख, ठीक है। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, ये सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा कि वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कैसे करते हैं, वो भी टर्नओवर मेथड के आधार पर। सिंपल सी बात है, जितना प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसका 25% जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उस बिजनेस को डे टू डे बेस से रन करने के लिए। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब उसमें से बैंक फाइनेंस सिंपल सा उठा के 20% ऑफ एनुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो है वो 20% जो है बैंक फाइनेंस होगा, 5% जो है बारोअर मार्जिन होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट नायक कमेटी नॉर्म्स के हिसाब से टर्नओवर मेथड से। आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यही रहता है सब, ये जो है 25% एनुअल टर्नओवर, 20% आप ये बैंक फाइनेंस होता है, मार्जिन कितना होगा ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से ये वर्किंग कैपिटल असेसमेंट टर्नओवर मेथड समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम मैक्सिमम परमिसेबल फाइनेंस समझेंगे, फिर कैश बजट मेथड समझेंगे, और फिर मैं समझा दूंगा ऑपरेटिंग साइकिल प्रोसीजर क्या होता है और ड्रॉइंग पावर क्या होता है, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, तो उसका जवाब भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी छोटे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, थैंक यू सो मच।